मूसलाधार बारिश ने गुजरात को हिलाकर रख दिया है। भारी बारिश से राज्य के ज्यादातर जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई जगहों पर पावर सप्लाई ठप हो गई है तो कुछ जगहों पर जल भराव की वजह से सड़कें बंद करनी पड़ी हैं। राजकोट के जसदण के कमलापुर गांव में तेज हवा और बारिश के चलते बिजली के 6 खंभे गिर गए। इसे पूरा सूबा अंधेरे में डूब चुका है। तेज हवाओं के चलते कई इलाकों में पेड़ गिरने की भी खबरें हैं। पिछले 48 घंटे से हो रही भारी बारिश के चलते पूरा राजकोट शहर मानो टापू बन गया। 24 घंटे में 10 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। आजी नदी का रौद्र रूप भी देखने को मिल रहा है। वहीं आणंद के खंबात में दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। गुजरात में भारी बारिश से बड़े पैमाने पर सड़कें ध्वस्त हो गई हैं। लोगों का आना जाना बाधित हो चुका है। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में भारी बारिश की वजह से 636 सड़कों पर आवाजाही बंद है। यहां तक कि 34 स्टेट हाईवे बंद कर दिए गए हैं, जिसमें खेड़ा 6, आनंद 2, कच्छ 1, पडोदरा 6, नर्मदा 1, पंचमहल 4, भरूच 2, दाहोद 2, सूरत 1, वलसाड 1, राजकोट 1, मोरबी 4, सुरेंद्रनगर की 3 सड़कें बंद हैं। वहीं पंचायत के कुल 557 सड़कों पर आना जाना ठप हो चुका है। 7000 से ज्यादा गांवों की बिजली प्रभावित हुई है। भारी बरसात के चलते कच्छ का समखियाला मालिया हाईवे भी बंद कर दिया गया। सुरक्षा को देखते हुए इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर डायवर्जन की व्यवस्था की गई है। मच्छू बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से ये फैसला किया गया। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि कच्छ अहमदाबाद जाने के लिए राधनपुर मार्ग को अपनाएं, उन रास्तों पर जाने से बचें जिनको सुरक्षा के मद्देनजर बंद कर दिया गया है। उधर परेशान लोगों ने बताया कि परिस्थिति बहुत सीरियस है। अभी आज सुबह में ही कमिश्नर साहब से मेरा मैसेज से बात हुआ है। उन्होंने बताया है कि 24 घंटे बहुत क्रूशियल है, उसके बाद देट विल गेट सेटल डाउन। तो 24 घंटे तक सबको अलर्ट रहने की मेरी सबको विनंती है। ये कुदरती आफत है जो हम कोई रोक नहीं सकते। हम अच्छी तरह बस मैनेज कर सकते हैं लेकिन रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कुदरत की एक आफत है। इसके अलावा छोटा उदयपुर के पावी जेतपुर के शेहोद में पुल 2 भागों में टूट गए। भारज नदी में पानी का तेज बहाव आने से ये पुल टूट गया। जानकारी के मुताबिक सुखी बांध से पानी छोड़े जाने से नदी का प्रवाह बढ़ा। नेशनल हाईवे 56 पर पुल के खंभे टूट गए। यहां तक कि पास में बना 2 करोड़ का डायवर्जन भी बह चुका है। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने मौके का मुआयना करके लोगों को आवाजाही न करने की हिदायत दी है। पिछले रविवार से ही हो रही तेज बारिश से गुजरात को फिलहाल राहत नहीं मिल पाई। राज्य सरकार ने राहत और बचाव के लिए NDRF SDRF की टीम को अलर्ट कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अधिकारियों को प्रभावित इलाकों से पीड़ित लोगों को ऊंचे स्थानों पर ले जाने का निर्देश दिया, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक गुजरात के लिए अभी और भारी है। सौराष्ट्र कच्छ तटीय क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना है। ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ से आगे कास हमने बनाई है, पर वो पानी आगे विश्वामित्री के आगे हमने खुद जाके देखा है, उसके आगे सब ब्लॉक है, कोई उसका निकाल नहीं है, पूरी रास्ता ब्लॉक किया हुआ है और वही चीज उसकी वजह से यहाँ से पानी हिलता नहीं है। अभी अगर बारिश कम भी हो जाएगी तो भी कम से कम 2.5 से 3 घंटा लगेगा ये पानी कम होने में। और 25 सालों से ये प्रॉब्लम है। जिगर गांधी, ये वडोदरा में रासमस रियाडी पुलोरंग के पास है और यहाँ पे हर साल यहाँ पे बारिश के टाइम में इतना पानी भरता है सोसाइटी में पानी तो भरता है, लोगों को आने की भी मुश्किल होती है और सबके घरों में भी इतना पानी होता है कि सबको फ्रिज टीवी सब कुछ फर्नीचर सब कुछ उठाना पड़ता है। और यहाँ पे ऐसा नहीं, हम लोगों ने बहुत बार कॉरपोरेशन में भी बहुत सारी शिकायत की है, CMO को भी हम लोगों ने कितने बार लेटर लिखा है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हम लोगों ने कितनी बार हल्ला बोल करके वहां पे हम लोग जा चुके हैं बोलने के लिए, पर अभी तक उनका कोई निकाल नहीं है, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है।